रे माता जीरा मंदरिए गालू रे ही डोलो। तो भैया इस भजन में जो जो मेरे साथ हाजिरी लगाएंगे भैया दोनों हाथ उठा लीजिएगा। जो माता रानी से प्रेम करते हैं बिल्कुल सीधे सीधे हाथ होने चाहिए और जिसका हाथ नीचे है उसको अपने पड़ोसी की कसम है। दोनों हाथ उठा करके और एक बार ताली के साथ माता जी रामंदरिए गालू रे ही डोलो। देखिए माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। जो माँ पर भरोसा करते हैं और प्रेम करते हैं माँ से दोनों हाथ उठाकर बताए। जिसने माँ से प्रेम नहीं किया वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी भक्तों की जोरदार की ताली होनी चाहिए। एक दो तीन We'll be right back।
कुछ लोगों ने व्रत लिया, कोई ने कैसे मैया को मनाया, लेकिन मैया को जो चुतड़ी उड़ा दे, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ये ग्रंथ में लिखी हुई बात बता रही हूँ। माता को जो चुंदड़ी ओढ़ा करके उनका सम्मान कर देना, माता उनसे बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होने के बाद में उनके घर में जो बेटी का जन्म होता है वो मैया की देन होती है। तो जो माता जी को चुंदड़ी उड़ाना चाहते हैं बैठे बैठे भाव भरी, तो दोनों हाथ उठा लीजिए अपने, ये मैया का प्रेम है। एक बार सीधे सीधे हाथ होने चाहिए और तालियों की सेवा होनी चाहिए। कैमरे वाले भैया जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें कैमरे में कैद कर लो। सीधे सीधे हाथ होने चाहिए और क्या कहेंगे, ओ प्यारी लागे ओ मैया रे चुंदड़ी।
में नवरात्रि निकले, है ना? कुछ लोगों ने व्रत लिया, कोई ने कैसे मैया को मनाया, लेकिन मैया को जो चुतड़ी उड़ा दे, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ये ग्रंथ में लिखी हुई बात बता रही हूँ। माता को जो चुंदड़ी ओढ़ा करके उनका सम्मान कर देना, माता उनसे बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के बाद में उनके घर में जो बेटी का जन्म होता है वो मैया की देन होती है। तो जो माता जी को चुंदड़ी ओढ़ाना चाहते हैं बैठे बैठे भाव भरी, तो दोनों हाथ उठा लीजिए अपने, ये मैया का प्रेम है। एक बार सीधे सीधे हाथ होने चाहिए और तालियों की सेवा होनी चाहिए। कैमरे वाले भैया जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें कैमरे में कैद कर लो। सीधे सीधे हाथ होने चाहिए और क्या कहेंगे, प्यारी लागे ओ मैया।